रहमानिरहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह ताला सबको अपने अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ देसी मुर्ग की शनवारी कढ़ाई। ये देखिए, मेरे पास 1.5 किलो देसी मुर्ग का गोश्त है, बहुत ही मज़े का गोश्त है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। देखिए इसके लंबे लंबे इसके विंग्स, लंबे लंबे इसके लेग पीस होते हैं। ये देखिए इसकी लेग जो है ना, लेग का पीस बहुत ही अच्छा है। इसकी मैंने ना ये बोटियाँ दरमियाने साइज़ की करवाई हैं, तो इसको अच्छी तरह धोकर वॉश करके तो मैंने इसको छानी वाले पॉट में डाल दिया है। बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनेगी, ये एक अफ़गानी कढ़ाई बनाई जाएगी। अफ़गानिस्तान की ये रेसिपी है, तो अफ़गानी स्टाइल में मैं इसको बनाऊँगी। ये जो शनवारी कढ़ाई है बहुत ही अच्छी बनेगी, मज़े की बनेगी। तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम गोश्त को फ्राई करेंगे। मैंने एक बड़ा कप ऑयल का लिया है, ये मैं प्रेशर में पहले इसको फ्राई करूँगी गोश्त को, फिर उसके बाद हम इसको अलहदा कढ़ाई में डालकर इसकी बुनाई करेंगे। बिल्कुल होटल के स्टाइल की बनाऊंगी, जैसी होटलों में बनती है। अफ़गानिस्तान की अगर ये रेसिपी है तो फिर आप देखेंगे कि मैं किस हिसाब से इसको किस स्टाइल से बना रही हूँ। आप गौर से देखें। ये मेरे पास 1 चम्मच नमक है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। आप गोश्त को मैं प्रेशर में डालकर, मैंने प्रेशर के नीचे आग जला ली है, गोश्त को इसमें डालकर मैं कोई 15 मिनट इसकी बनाई करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ये रेसिपी बननी है। आप मेरी इस रेसिपी को गौर से देखें, कभी आपको देसी मुर्ग पकाना पड़ जाए। ये ज़्यादातर प्रेशर में ही गलाया जाता है इसको, क्योंकि ये देर से गलता है और ये दूसरे चिकन की निस्बत ज़्यादा टाइम लेता है, तो ये कढ़ाई में इतनी जल्दी नहीं गलता। तो मैंने इसको ज़रा जल्दी बनाना था, इसलिए मैं इसे प्रेशर में बना रही हूँ। प्रेशर में गला के तो फिर इसको हम दूसरे मसालों के साथ इसकी बनाई करेंगे। ये निशानी होती है देसी मुर्ग की कि इसके जो विंग्स होते हैं ना, ये ज़रा लंबे होते हैं और पतले पतले होते हैं। देखो ये देखो ना, इसकी बोटियाँ जो है ना, ज़रा और कलर होता है इसका, रेड रेड कलर। इसकी मैंने इतनी बनाई करनी है कि गोश्त जो है ना लाइट ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन कलर इसको ज़रूर देना है। कम से कम मैं इसकी 15 मिनट इसकी बनाई करूँगी, हल्की आंच पर, तेज़ आंच पे नहीं करना, हल्की आंच पे। आप मेरी पूरी रेसिपी को फॉलो करें और फिर देखें कि मैं कैसे इसको बनाऊँगी। बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। देसी मुर्ग की कढ़ाई जो है ना, ज़रा थोड़ी सी टाइम लेती है, तो हम इसको टाइम देंगे। हमने बुटियों को गलाना है अच्छे तरीके से, साथ चिकन जब अच्छे तरीके के साथ गल जाएगा तो फिर अगला स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करते हैं। मैं इसको अब ब्राउन कर लेती हूँ गोश्त को। आंच को तेज़ कभी नहीं करना, हल्की आंच पे ही चम्मच लगाना है। अब इसकी मैंने भुनाई कर ली है, इसको फ्राई किया, ठीक है। तो देखिए इतना फ्राई करना है इसको ऑयल में, यानी कि थोड़ा सा ना कलर इसका आना चाहिए। आगे तो होटलों में जब हम कढ़ाई खाते हैं तो उसकी जो होता है गोश्त, वो थोड़ा सा ब्राउन होता है। इसको हम इसलिए करते हैं फ्राई, ताकि हमारी बोटी जब हम इसको वेट लगाएंगे प्रेशर में गलाएंगे तो ये बोटी टूटेगी नहीं, ठीक है। अब ये मेरे पास है लहसुन की गट्ठी और अदरक का टुकड़ा, इसकी मैंने पेस्ट बना लिया है। ये मैं इसमें डाल के थोड़ा सा इसको बुनाई फिर करूँगी।
थोड़ी सी गोश्त की बनाई करके, तो फिर हम वाटर डाल के तो इसको वेट लगा दें। मेरे पास ना प्रेशर जरा छोटा है, अगर आपके पास बड़ा पॉट हो तो फिर वो आसानी से बन जाती है ना, तो इसलिए मैं ज़रा ये इसको ऐसे ही बनाऊँगी। अब इसको मैं थोड़ा सा लाइट सा सोते करूँगी, इसके बाद ये वाटर डाल दूँगी और फिर प्रेशर लगाना है। अदरक लहसुन डालकर इसकी मैंने कोई 2 मिनट बनाई की है। अब हम इसमें वाटर डालेंगे, मेरे पास 1 लीटर वाटर है, ये मैं इसमें डालकर इसको प्रेशर लगा दूंगी, क्योंकि अब आपको पता है कि ये जो गोश्त है ना ये टाइम लेता है, तो इसको हमने गलाना है। अगर तो ये गल गया तो ठीक है, अगर ये ना गला तो फिर मज़ीद इसमें गर्म वाटर डाल के हम गला सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा मुर्गा था ना, ये सील मुर्गा था, सील मुर्गा, देसी मुर्गा जो होता है ना वो और होता है, जो सील मुर्गा होता है ना उसका गोश्त होता है ना बहुत टेस्टी होता है, ये देखिए जैसे वो बकरे का गोश्त होता है ना उस तरह का ये गोश्त होता है, तो ये बनता तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन ये ज़रा टाइम लेता है गलने में। तो अगर ये गल गया तो ठीक है, मज़ीद आपके पास भी अगर इस तरह का हो सील मुर्गे का गोश्त, तो फिर आप गर्म पानी डाल के ना गला सकते हैं। मैंने प्रेशर लगा दिया, अब इसको मैं कोई आधा घंटा 30 मिनट्स इसको मैं लगाऊंगी वेट पे, तो 30 मिनट के बाद फिर मैं चेक करूंगी, तो फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, इसमें रेड मिर्च अगर डालनी है तो ठीक है, वैसे रेड मिर्च तो बहुत कम डलती है, ज़्यादा टमाटर डलती हैं, काली मिर्च डलती है और हरी मिर्च, ठीक है। अगला स्टेप मैं आपको बाद में बताती हूँ जब ये गल जाएगा। चलिए जी, प्रेशर में से निकाल के मैंने गोश्त को कढ़ाई में डाल लिया है, अब हम इसमें सारे मसाले डाल के तो इसकी बनाई करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए मैं अब इसमें डालूँगी ये टमाटर, ये मैंने कटिंग कर ली है इसकी, टमाटर को ऐसे ना साबुत ही रख देते हैं इसमें, इसमें टमाटर ज़्यादा जाते हैं। अब हम इसको टमाटरों को मैं डाल के ना इसको 5 मिनट दम लगाऊंगी, ताकि मेरे टमाटर सॉफ्ट हो जाए, जैसे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे फिर उसके बाद मैं ये जो मसाले इसकी कटिंग की है वो डालूंगी। चलिए जी, टमाटरों को मैंने अच्छी तरह गला लिया है ऊपर दम दे के, तो फिर उसके बाद मैंने छिलके ये निकाल लिए बाहर, ठीक है। अब इसमें मैं ये सारे मसाले कुछ आधे अब डालूंगी, ये मेरे पास गर्म मसाला है, ये जाएगा ये हल्दी, काली मिर्च और नमक। नमक आप देख रहे हैं कि अगर कम है तो डालें, मेरा नमक थोड़ा सा कम था इसलिए मैं दोबारा डाल रही हूँ, पहले मैंने 1 चम्मच डाला है और थोड़ा सा आधी चम्मच अब है, 1 चम्मच मेरी काली मिर्च है पिसी हुई और 1 हल्दी। अब फिर मैं इसकी बनाई करूँगी, और ये जाएगी हरी मिर्च, इसमें रेड मिर्च नहीं डालते, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वैसे नहीं जाती इसमें रेड मिर्च, ये मैं डाल के तो इसकी मैं बनाई करूँगी थोड़ी सी, और फिर इसमें मैं ये लीमन भी साथ ही डाल दूँगी, क्योंकि अब ये सिर्फ इसकी बनाई करनी है, बनाई करके फिर मैं डिश आउट कर लूँगी, क्योंकि हमारा गोश्त गल गया है बिल्कुल, और उस पर ये है कि लीमन डाल के मज़े मज़े की हमारी शनिवारी कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है, देखिए बिल्कुल गोश्त गल गया, आपको चेक कराऊँ गोश्त ज़बरदस्त। लीमन को आखिर में डालते हैं, टमाटरों को हमने अच्छे तरीके से गला लिया है, उसमें से छिलके जो है ना वो बाहर निकाल लेते हैं, छिलके नहीं कभी भी अंदर रहने देते क्योंकि वो गलते नहीं हैं, और फिर लास्ट में लीमन डालते हैं, लीमन ज़रा खटक कर अच्छा लगता है, हम जब भी ये देसी मुर्ग की कढ़ाई बनाते हैं तो लीमन जो है ना ज़रूर डालते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। ये भी मैंने डाल दिया, अब मैं इसको इतना थोड़ा सा मिक्स करूँगी इसको, देखिए मज़े की हड्डियाँ बिल्कुल ना सेपरेट हो गई हैं, ये देखिए हड्डी
ये गोश्त में से हड्डी बाहर आ गई है तो इसका मतलब है कि हमारा गोश्त है ना वो बिल्कुल गल गया। अब इसको मैं कोई 2-3 मिनट इसकी बुनाई करूँगी अच्छे तरीके के साथ, फिर उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। इसकी मैं कोई 2 मिनट बुनाई करनी है, फिर उसके बाद हमारी कढ़ाई रेडी है। चले जी, अब लास्ट में हम अदरक डालेंगे इसमें, बहुत ही अच्छा लगेगा अदरक। बेटा डिश आउट करते हैं ना तो लास्ट में डालते हैं। और ये मिर्चें जाएंगी जो कि मैंने लॉन्ग कटिंग में काट ली है, बहुत ही अच्छी लगेंगी। अब हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है और इसमें सब्ज धनिया जाएगा, कितनी अच्छी लग रही है। अभी मैं आपको ना इसकी एक जो ना बोटी में चेक भी कराती हूँ, ठीक है। और ये जो छिलके हैं लाजमन निकाल लेते हैं, ये कभी भी कढ़ाई में नहीं रहने देते, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा शोरबा था, इसकी ग्रेवी है वो मैं इसमें डाल देती हूँ, ज़ाया नहीं करते, देखना निकालते हुए ना बस इसके साथ ही आ गई है। ये टमाटर के छिलके हम फेंक देंगे, ठीक है, ये अब किसी काम के नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इतनी मज़े की हमारी ये रेडी हुई है, देखिए बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल मज़े का हमारा गोश्त रेडी हो गया है, तैयार है। अब चूल्हा बंद कर देती हूँ क्योंकि हमने इसको मिक्स नहीं करना, जो ऊपर जो डाले हैं इसी तरह हम डाल के ना फैमिली वालों को रोटी के साथ नान के साथ खाने के लिए देंगे। अब ये देखिए मज़े मज़े का ये गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये देसी मुर्गी की शनवारी कढ़ाई अच्छी लगी है तो मुझे ये देखिए बिल्कुल हड्डी सेपरेट हो गई है और गोश्त सेपरेट हो गया होगा ना। इसी तरह आपने गलाना है इस गोश्त को, इसको कच्चा कभी नहीं रहने देते, ठीक है, ये लाजमन गलाना होता है। क्योंकि जो बाज़ार की मुर्गी होती है, चिकन होता है, वो तो जल्दी गल जाता है, लेकिन ये मेरे पास देसी चिकन था तो इसलिए मैंने इसको प्रेशर में डाला है। आपने भी देसी जो मुर्गा है उसको, उसका जो गोश्त है उसको प्रेशर में डाल के गलाना है, और जो बाज़ार का है वो आप कढ़ाई में ही बना सकते हैं। मैंने इसलिए इसको प्रेशर लगाया था क्योंकि इसने गलना नहीं था, तो गला के तो फिर इसमें हमने मसाले डालने हैं जिस तरह मैंने डाले हैं, ठीक है। आप ये देखिए बहुत ही मज़े का, ये देखिए सेपरेट हो गया है। इसी तरह इतना ही गलाते हैं, कच्चा कभी नहीं रखते, और इसी तरह गला के तो फिर इसमें सारे के सारे मसाले डाल के तो फिर अपनी कढ़ाई को रेडी करते हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है कढ़ाई बनाने का तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें।